नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। खुशी एक ऐसा एहसास है जो हर इंसान पाना चाहता है, लेकिन खुशी पाने का सही तरीका क्या है, खुशी कैसे पाई जा सकती है या खुश कैसे रहा जा सकता है, आज हम हमारे वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि खुशी कैसे रह सकते हैं, खुश कैसे रहा जा सकता है या खुशी कैसे मिल सकती है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो खुश रहना नहीं चाहता? मैं तो यहां तक कहता हूं कि धरती पर ऐसा कोई जीव नहीं है जो खुश रहना नहीं चाहता। हर इंसान खुश रहना चाहता है और इस खुशी को प्राप्त करने के लिए, इस खुशी को पाने के लिए इंसान लगातार भागता रहता है और तब तक भागता रहता है जब तक कि ये खुशी उसे प्राप्त नहीं हो जाती। और जब खुशी प्राप्त हो जाती है तो उससे उसको सुख मिलता है और जब सुख मिलता है तो वो संतोष का अनुभव करता है। लेकिन अगर इसी प्रक्रिया को, जो अभी मैंने प्रक्रिया बताई है, इसी प्रक्रिया को अगर पलट के देखा जाए तो जीवन बहुत ही खुशनुमा हो सकता है। कैसे? कि अगर हम, जैसे मैंने लास्ट में संतोष की बात करी, सेटिस्फिकेशन की बात करी, अगर उसको पहले रख दी जाए, यानी अगर इंसान सेटिस्फाई रहना सीख ले, अपने जीवन से वो संतोष करना सीख ले, तो फिर वो कभी भी दुखी नहीं रह सकता। क्योंकि उसको जब वो सेटिस्फाई होगा तो उसको हमेशा सुख महसूस होगा, और जब सुख महसूस होगा तो सुख में तो सभी खुशी होते हैं। तो इसका मतलब ये कि इस प्रक्रिया को, जो पहले प्रक्रिया बताई थी, उस प्रक्रिया को उल्टा करके देखिए। पहले आप सेटिस्फाई रहिए हर चीज से, जब सेटिस्फाई रहेंगे जो भी ऊपर वाले ने आपको दिया है उससे आप सेटिस्फाई रहिए, जब सेटिस्फाई रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे और सुखी रहेंगे तो खुश तो रहेंगे ही रहेंगे। चलिए मैं आपको दूसरा फार्मूला बताता हूँ, खुश रहने का दूसरा फार्मूला। देखिए इंग्लिश में दो शब्द हैं, एक है डिजायर और एक है डिजर्व। डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा, आपकी जो इच्छा है या आपकी तमन्ना है या कह सकते हैं आपकी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा है, इसको हम बोलते हैं डिजायर। और दूसरा है डिजर्व। डिजर्व का मतलब होता है पात्र, पात्र होना, या फिर कह सकते हैं लायक, किस लायक हैं आप, इसको बोलते हैं डिजर्व। तो होता क्या है, अक्सर हर इंसान डिजायर के पीछे, यानी अपनी महत्वाकांक्षापन, अपनी आकांक्षाओं के पीछे भागता रहता है और वो उसको मिलती नहीं है, और जब वो नहीं मिलती है तो उससे दुखी होता है, दुखी होता है तो सुख का अनुभव नहीं कर सकता है, सुख का अनुभव जब नहीं करेगा वो खुशी नहीं रहेगा, जब वो खुश नहीं रहेगा तो संतोष कैसे मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान डिजर्व, जो डिजायर है उसके पीछे ना भागे और डिजर्व पर ध्यान दे, और यदि इंसान डिजायर के पीछे नहीं भागेगा और डिजर्व पे ध्यान देगा, यानी जिस लायक भगवान ने आपको बनाया है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई छीन ही नहीं सकता आपसे। जिस भी लायक आपको भगवान ने बनाया है, जिस भी काम के लिए या जिस भी बात के लिए आप डिजर्व करते हो वो तो आपको मिलना ही है, चाहे आप करिए या ना करिए वो तो आपको मिलेगी मिलेगी। तो जिस दिन आपने ये बात अपने दिमाग में बैठा ली कि जिस लायक में हूँ उतना मुझे मिलना है, वो पद मुझे मिलना है, वो सैलरी मुझे मिलनी है, वो इंस्टीट्यूशन मुझे मिलना है, जिस लायक में हूँ वो तो मिलना ही है, आप भगवान किसी भी रास्ते से आपको देगा लेकिन वहां तक आपको जरूर पहुंचाएगा जिसके आप लायक हो। इसलिए आप हमेशा डिजर्व के ऊपर ध्यान दीजिए। जब आप डिजर्व में ध्यान दोगे, यानी कि आप जिस लायक हो उस पे ध्यान दोगे, तो आप कभी भी डिजायर के पीछे नहीं भागोगे, और जब डिजायर के पीछे नहीं भागोगे तो आप हमेशा खुश होगे। तो ये दो छोटे से फार्मूले थे, अगर इन फार्मूलों को ध्यान दिया आपने तो आप अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रह सकते। तो कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिषमंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।